और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करते हुए बिपरजॉय प्रभावित जिलों का दौरा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रभावित जिलों का दौरा करेंगे। सीएम गहलोत कल प्रभावित जिलों में पहुंचेंगे और यहां पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लेंगे। 20 और 21 जून को सीएम गहलोत ये दौरा करेंगे। जालौर, बाड़मेर, सिरोही, पाली और जोधपुर जाने का खास कार्यक्रम रखा गया है। सीएम गहलोत का हड़ौती और दौसा का दौरा स्थगित कर दिया गया है। बिपरजॉय तूफान जिसका कहर राजस्थान पर देखने को मिल रहा है और यही वजह है कि सरकार भी अब इसे लेकर गंभीर हो चली है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद अलग अलग जिलों में जाएंगे और वहां पर दौरा कर स्थिति का जायजा लेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे। जो लोग इससे प्रभावित हुए हैं उनका भी हालचाल जानने की कोशिश की जाएगी। तो 20 और 21 जून को उनका कार्यक्रम रखा गया है। बाबूलाल धायल सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। बाबूलाल, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद पहुंच रहे हैं, अब प्रभावित जगहों पर जाएंगे, दौरा करेंगे, क्या कुछ जानकारी इसे लेकर? जी देखिए, पहले प्रस्तावित था मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का हाड़ौती का और दौसा का दौरा था 20 और 21 जून का, उसे स्थगित कर दिया गया है अभी। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो भी जिले बिपरजॉय से प्रभावित थे वहाँ का उनका कार्यक्रम बना है, तमाम जिला कलेक्टरों से उन्होंने रिपोर्ट मांगी है और जहाँ जहाँ पर नुकसान ज्यादा हुआ मुख्यमंत्री दौरा करेंगे, बाढ़ प्रभावित जो लोग हैं उनसे मुलाकात करेंगे, कितना नुकसान हुआ है इसका आकलन जिन अधिकारियों ने किया उनके साथ बैठ के चर्चा करेंगे और किस तरह से जनता को राहत दी जा सकती है मुश्किल की घड़ी में। तो उन तमाम बातों पर चर्चा करके और लोगों को राहत देने की उनकी कोशिश होगी। हवाई सर्वेक्षण भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करेंगे और जो भी दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान के जिले हैं, जोधपुर है, बाड़मेर है, पाली है, जालौर है, सिरोही, तो वहां पर मुख्यमंत्री का जाने का कार्यक्रम है। 2 दिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मारवाड़ में रहेंगे और जो जनता परेशान हुई है उनकी दुख दर्द उनकी तकलीफ को जानेंगे और हर संभव मदद सरकार की ओर से जो भी हो सकती है वो करने की कोशिश करेंगे। तो मुख्यमंत्री जब भी इस तरह के संकट की घड़ी आती है अपनी जनता के बीच में जाने की कोशिश करते हैं और इसी कड़ी में जब उनको लगा कि बिपरजॉय ने कहर बरपाया है तो अब वो अपनी जनता के बीच में जा करके और आम जनता से बात करेंगे और जो संभव मदद सरकार कर सकती है उसे करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल बाबूलाल, बिपरजॉय ने कहर बरपाया है और जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, कई जगहों से परेशान करने वाली खबरें भी सामने आ रही हैं, जहां पर कई लोगों की डूबने से मौत हो रही है, कई लोगों के आशियाने भी उजड़ गए। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि सरकार इस पर ध्यान दे और अब क्योंकि खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दौरा कर रहे हैं तो ऐसे में ये दौरा भी बेहद अहम माना जा रहा है। अब चूंकि मुख्यमंत्री पहुंच रहे बाबूलाल, तो हो सकता है कि वहीं पर मुआवजे का भी ऐलान कर दिया जाए। जी बिल्कुल, पहले नुकसान का आकलन होगा, उसके बाद उसकी भरपाई की कोशिश होगी। कईयों के मकान जो है तबाह हुए हैं, इसके अलावा कईयों के जानवर जो हैं उनकी मौतें हुई हैं, क्योंकि ये जो इलाका है पशुपालन बहुत ज्यादा है तो गाय, भैंस, भेड़, बकरियों की जाने बहुत गई हैं। तो अब आकलन होगा जब पानी छट रहा है, पानी निकल रहा है, उसके बाद में जो भी आकलन होगा अधिकारियों तक जो रिपोर्ट आई है, जनप्रतिनिधियों ने जितने भी खबर पहुंचाई अफसरों तक और उसके बाद में आकलन के बाद इस नुकसान की भरपाई सरकार करेगी। लेकिन मकान भी काफी जो है क्षतिग्रस्त हुए हैं तो सरकार की कोशिश है कि जितना भी जानमाल का नुकसान है इस इलाके में सब लोगों के आंसू पहुंचे जाए और संकट की इस घड़ी में सरकार ये एहसास कराने की कोशिश कर रही है कि हम हर समय आप लोगों के साथ हैं, संकट में आप अकेले नहीं है। जिस तरह से एक लोक कल्याणकारी सरकार का ये कर्तव्य होता है कि वो अपने नागरिक जब भी मुश्किल घड़ी में होते हैं तो उनका वो आंसू पहुंचती है, उसी तरह से अशोक गहलोत भी जा रहे हैं। 2 दिन तक वो लोगों के बीच में गुजारेंगे, सारा फीडबैक लेंगे और जो भी सरकार इमदाद कर सकती है तो उसको करने की कोशिश करेंगे। तो 2 दिन का दौरा है, सभी जिलों में जा रहे हैं, लेकिन जो वर्स्ट अफेक्टेड एरियाज हैं जहां पर सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, जहां जल प्लावन की स्थिति बनी है, फसलें तबाह हुई हैं, मकान गिरे हैं और लोगों को जहाँ पर सबसे ज्यादा बुरे दिन गुजारने पड़े पिछले 3-4 दिन, तो उन लोगों के बीच में जाकर के और उनके तकलीफ को साझा करेंगे। ये दौरा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का निश्चित तौर पर आर्थिक रूप से तो सहायता दी ही जाएगी और साथ साथ ये साफ मैसेज देने की भी कोशिश मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से कि इस मुश्किल की घड़ी में सरकार उनके साथ है। बहुत शुक्रिया बाबूलाल आपका।